स्थानीय श्री गोपाल गौशाला में सोमवार को गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रेरणा स्रोत ग्वाल संत गोपालानंद जी सरस्वती की शिष्या साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती दीदी ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान गौमाता का पूजन कर उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित भी किया। साध्वी आराधना सरस्वती ने गौमाता के महत्व के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि कलयुग में गौमाता की सेवा बहुत बड़े पुण्य का कार्य है, क्योंकि वो इस कलयुग में गंदी चीजें खाकर हमें पवित्र गौमूत्र और गोबर प्रदान करती है, जिसका हमारी सनातन संस्कृति में बड़ा महत्व है और उनके बगैर हमारे बड़े बड़े अनुष्ठान संभव नहीं हो पाते हैं। गौमाता के स्पर्श और सानिध्य से अनेक रोग समाप्त हो जाते हैं। गौमाता को मन की आंखों से देखोगे तो आपको साक्षात माँ भगवती के दर्शन हो जाएंगे। इस अवसर पर यशवंत डिड्डा, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, कमल सुरेखा, बालू सिंह चौहान, प्रकाश गुप्ता सीए, पदम भंडारी, गोविंद भरड़िया, भव सिंह कछवाहा, श्रीमती मंजू भरड़िया, संस्कृति जैन, यश नाहर, गोपाल जायसवाल, कैलाश माहेश्वरी, मनोहर पोरवाल, रामेश्वर पाटीदार, राकेश मीना, दुर्गा शंकर यादव, कैलाश बिहानी, डीके गुप्ता व उमाशंकर पोरवाल आदि मौजूद थे। जय गोमाता, जय गोपाल। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष में पहली बार गौ माता का बहुत ही बड़ा आयोजन होने जा रहा है। एक वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव का आयोजन होगा 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश में जो कामधेनु गौ अभ्यारण्य सालरिया जो सुसनेर तहसील के पास में है, तो आप सभी भक्त उसमें पधारे। बहुत ही बड़े स्तर का कार्यक्रम है और हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से एक साल की गौ माता की कथा होगी, जिसमें किस प्रकार से लोग गौ माता की सेवा से अपने जीवन के समस्त दुखों को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से गौ माता के गौमूत्र का पान करने से हम सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। केवल गौमूत्र को पीने से ही कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी दूर हो सकती है, तो अगर हम नित्य गौमूत्र का पान करें तो हमारे शरीर में कभी बीमारी आएगी नहीं। ऐसी अनेकों अनेक बातें वहाँ पर गौ माता से जुड़ी हुई उस कथा में बताएंगे और कई सारे साधु संत उस कार्यक्रम में पधारेंगे, जैसे हमारे देश के जो प्रधान पीठ है शंकराचार्य जी इत्यादि का आगमन भी होगा, और तो और कई सारे प्रसिद्ध कथावाचक जैसे प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम सरकार है, रमेश भाई ओझा है, अनिरुद्धाचार्य जी है, मोरारी बापू, अनेकों अनेक संतों का, अनेकों अनेक कथावाचकों का भी आगमन इस कार्यक्रम में होगा। और एशिया का जो प्रथम गौ अभ्यारण्य है, वर्तमान समय में 5,500 गौ माताएं इस अभ्यारण्य में निवास करती है। परमात्मा ने ऐसा सौभाग्य दिया हमें कि हमें 5,500 गौ माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो आप सभी भक्तों को बस यही निमंत्रण देने हम भवानी मंडी पहुंचे थे कि आप अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में पहुंचे और गौ माता की कथा का रसपान करें, गौ माता की सेवा से जुड़े, ताकि जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि कल्याण के लिए इस जगत में एक ही ऐसा तत्व है, वो है गौ माता, जिनकी सेवा से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आपका ये सेवा कार्य कितने सालों से चला आ रहा है? मुझे गृह त्याग किए हुए 9 वर्ष हो चुके हैं। 15 वर्ष की आयु में मैंने अपने घर परिवार का त्याग करके परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में पधार गई थी और तब से ही मैं गौ माता की सेवा में और धर्म की रक्षा में जगह जगह जाकर के 7 दिन की 9 दिन की गौ माता की कथाएं करती हूँ, ताकि अधिक से अधिक लोग गौ माता से जुड़े। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी सुनकर की हुई। बस गुरुदेव भगवान की कथा सुनी और मन में ऐसा भाव आया कि हमें भी गौ माता के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करना चाहिए। बस इसी भाव को लेकर के मैं धर्म की रक्षा के लिए निकली हूँ। इतना लंबा समय जो आपको हुआ है इस क्षेत्र में, इसमें आपने क्या देखा है और क्या पाया है? वैसे 9 वर्षों में काफी सारे ऐसे अनुभव हमने किए हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हमने गौ माता की देखी है, जहाँ पर लोग ठीक तरीके से गौ माता को 2 वक्त का चारा भी नहीं जिमा सकते। हमने इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था देखी है, जैसा कि अपने भवानी मंडी की बात करें तो गोपाल गौशाला में नित्य यहाँ पर गौ माता के लिए लापसी बनाते हैं, और तो और लोगों को काजू बादाम नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर गौ माता जी को लापसी में मिला करके दिया जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से गौ माता की सेवा हो रही। ऐसे हमने अनेकों अनेक जगह कई सारी ऐसी बातें देखी जिसे लोग तुलादान करके गौ माता से जुड़ रहे, कोई हरा चारा जिमा करके गौ माता से जुड़ रहा, कोई धन का दान करके गौ माता से जुड़ रहा और कोई तन का दान दे करके गौ माता से जुड़ रहा है। ये अनेक प्रकार से लोग गौ माता से जुड़े हुए हैं और गौ माता की सेवा में लग करके अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। धन्यवाद।